बांग्लादेश में वसुंधरा मस्जिद में जाके वो नमाज पढ़ के आया, उसी टाइम का फोटो है। इसमें महेस्थानगढ़ का एक मजार का फोटो है जहाँ पर इन्होंने खुद मेरे को लेके गया उधर घुमाने के लिए। पैसा भी दिया है, कुरान भी दिया है, मुस्लिम धर्म का सब कुछ पालन किया, सब कुछ सब कुछ। उन्होंने नमाज पढ़ना, कुरान का अर्थ भी वो जानती है। आने के बाद भी उनके साथ रहा हूँ, आने के बाद भी बच्चा से बहुत प्यार किया है। आप अचानक से एकदम बोलती है ना, पीछे से कोई आके लाठी से बारी मारती है ना, जो सर फोड़ देती है, ऐसा मेरे साथ हो गया। जब से सोनिया अख्तर भारत में आई हैं, आप लोग तमाम खबरें देख रहे हैं, तमाम चीज़ देख रहे हैं। कई बार आप लोगों ने जो है सौरभ कांत तिवारी की कई वर्जन सुने होंगे जिसमें वो कहते हैं कि बांग्लादेश में उनके साथ जो है जोर जबरदस्ती की गई थी। लेकिन क्या वाकई में इस तरह के कुछ हुए थे? इसका सबूत जो है हमारे पास आज कुछ फुटेज है, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ में हमारे साथ सोनिया अख्तर है और साथ में सोनिया अख्तर के वकील डॉक्टर एपी सिंह जी भी मौजूद हैं। तमाम जानकारी हम आपको देंगे कि आखिर अगर सौरभ कांत तिवारी पर इतना दबाव बनाया गया तो सौरभ कांत तिवारी जो है वो खुद कैसे सेल्फी लेते हुए नजर आए, खुद जो है कैसे एक मुस्लिम धर्म में जो टोपी पहनकर नमाज पढ़ने की इबादत करने की जो अदा होती है वो कैसे करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में दिख रहे शख्स ये सौरभ कांत तिवारी हैं और इनके सर पे देखिए, हिंदू धर्म में हालांकि जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो टोपी को नहीं लगाते, लेकिन अगर आप मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो ये टोपी जो है लगाना जरूरी है, तभी जो है इसके बाद वो नमाज अदा करते हैं। जरा सोचिए, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक बार ये भी तस्वीर दिखाइए कि इसमें जो है सौरभ कांत तिवारी हैं, सोनिया अख्तर हैं, दोनों कितने खुश हैं और एक सोफे पे बैठे हुए हैं और ये तब की फोटो ली गई है। और इसके बाद भी जो है सौरभ कांत तिवारी कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया है। तो ये देखिए, ये जो है सोनिया के रिश्तेदार हैं, बताया जा रहा है कि इनके जो है फैमिली परिवार के लोग हैं और उनके साथ किस तरह से मुस्कुराते हुए इन्होंने तस्वीरें खिंचाई हैं। तीसरी तस्वीर एक और दिखाते हैं कि वाकई में ये जो है किसी बॉलीवुड एक्टर से, किसी हीरो या हीरोइन से इनका जो एक दूसरे का ये कपल है वो कम नजर नहीं आ रहा होगा। साथ में देखिए कि सोनिया अख्तर किस तरह से बैठी हैं और पीछे जो है सौरभ कांत तिवारी खड़े हुए हैं और उन्होंने जो है टोपी भी लगाई है। अब इन चीजों के बाद एक चीज साफ हो जाता है कि क्या वाकई में जो है सौरभ कांत तिवारी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है या फिर वो जो वादे कर रहे हैं वो झूठे हैं। सबसे पहले सवाल लेते हैं डॉक्टर एपी सिंह जी से। सर, ये तस्वीर आने के बाद आपके मन में क्या सवाल आया? कोई सवाल नहीं, मैं तो इस बात को पहले से ही कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो बनाया इन्होंने, जो बोल रहे हैं, जो बोला है, पहले बोला अब नहीं बोल रहे हैं, अब तो स्वीकार किया है उन्होंने। उन्हें नहीं पता था कि इतनी बाकी रह गई, बहुत डिलीट किए उन्होंने फोटो, बहुत डिलीट किए। लेकिन फिर भी कहते ना, अपराधी कितना भी शातिर हो, शातिराना हरकत अपनाए, लेकिन कुछ ना कुछ सबूत छूट जाते हैं। ये ऐसे सबूत हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ। अब देखिए, ये बच्चे को लेके कर रहे हैं, बच्चे को प्यार, जब हॉस्पिटल में मिला बच्चा। अच्छा। ये इनके पहले बेटे, जो पहली पत्नी से बेटा है, उसके साथ के फोटो ढाका के घूम रहे हैं। ये देखिए, आज के भारतीय पति पत्नियों को भी इतना प्यार करना चाहिए। इससे देखो आप किस तरह से उठाया हुआ है सोनिया को। तो ये कितने प्यार, ये जबरदस्ती है, ये सोनिया ने नहीं उठाया हुआ है सौरभ को, सौरभ ने दोनों हाथों से उसको उठाया हुआ है। अब पूरी तरह से ये देखिए कैसे पकड़े हुए हैं। ये बच्चे का बर्थडे हर महीने बर्थडे होता था, हर महीने बच्चे का बर्थडे मनाया जाता था। लोग साल में नहीं मना पाते हमारे देश में, लेकिन उन्होंने हर बर्थडे मनाया। ये देखिए हर तरह से नहलाते धुलाते हुए, ये देखिए ये फोटोग्राफ, ये खाना खाते हुए अपने साड़ू भाई के साथ। अच्छा। साड़ू भाई के हर बांग्लादेश में रीति है, एक ही थाली में खाना खाते हैं। देखिए थाली एक, दोनों साड़ू भाई बैठे हैं, एक बहन एक की है पति, एक सोनिया अख्तर के पति हैं और एक सोनिया अख्तर की सिस्टर के पति हैं। तो ये देखिए, ये हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की ड्रेस में,
डिलीवरी से पहले के दृश्य, ये हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए ले जाते हुए के ये, अच्छा, ये तमाम चीज आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो दावे हो रहे हैं उनके तरफ से वो तो जो है यही कह रहे हैं कि ये सब झूठे, ये कैसे हो जाएंगे? हाँ। ये कैसे इंडिया गेट पे घुमा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं इंडिया गेट पे, ये अब ये हॉस्पिटल के फोटो, ये बच्चे के साथ देखिए कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है। तो ये देखिए इसमें साफ तौर पे तस्वीर में देखिए किस तरह से जो है सौरभ कांत तिवारी, सोनिया अख्तर और उनका छोटा मासूम सा बच्चा जो है उनके गोद में है, लेकिन बार बार जिक्र होता है कि उन्हें जो है दबाव बनाया गया, जबरदस्ती जो है फंसाया जा रहा है। ये कोई दबाव है? हाँ। ये कोई दबाव होता है? हाँ। ये इतने परिवार के साथ, ये देखिए इनके और परिवार के साथ जन्मदिन मन रहा ढाका में। अच्छा। ये इतने लोगों के साथ दबाव होता है? ये दबाव है कोई? ये देखिए चेहरा अपना कैसे दिखा रहे हैं। हाँ। अपना फोटो में आने के लिए उत्सुकता, आतुरता। ये फोन से ली गई फोटो? ये फोन से सब ली गई हैं, और तो प्रोफेशनल कैमरों से भी फोटो थी, वो तो उन्हीं के पास थी, उन्हीं के पास रहती थी। पति के पास रहें तो पत्नी के पास रहें, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये सब कुछ हुआ। अब इन सब के बावजूद अगर कोई कहता है और ये बात कहे तो बिल्कुल झूठ है, निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई उसका आश्रय नहीं है। कोई मतलब नहीं, कोई निराधार नहीं। एक बार तस्वीर दिखाइए कि अगर हम आपको फोटो दिखाए यहाँ पे तो वाकई में जो है सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये फोटो ख़त्म नहीं होगा। इतने फोटो यहाँ पे रखे हुए हैं, इतनी तस्वीरें रखी हुई है कि वाकई में हर एक तस्वीर जो है अपने आप में कुछ कहती है, अपने आप में जो है कुछ कहानियाँ बताती है। एक बात बताइए, सोनिया हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो तस्वीर ली गई थी ये कब की ली गई है? ये हमारा घर का है, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, पति ने फ्राइडे को लिया है। पति ने वसुंधरा जो मस्जिद है, आप नेट पे सर्च करके देखिए, बांग्लादेश में वसुंधरा मस्जिद में जाके वो नमाज पढ़ के आया, उसी टाइम का फ़ोटो है। जब आने के बाद मेरे को बोला, मैं तो नॉर्मली साड़ी पहनती हूँ, तो उन्होंने बोला साड़ी पहन के रहना है, तो उन्होंने ये फ़ोटो उन्होंने खुद खिंचाया। अच्छा। मेरा घर का जो मेट है उनको देखे, जब खींच दो जो उन्होंने अच्छा से पहना, घर में वहाँ पर नौकरानी है, उनसे खुद खिंचवाया। हाँ, उन्होंने खुद खिंचवाया, एक नहीं बहुत हजारों फोटो थी, उन्होंने तो जो प्रोफेशनल फोटो थी वो तो डिलीट कर दिया। ये तस्वीर देखिए, इसमें जो है दो जने दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये मेरा जीजा जी है बाजू वाली में जो है, ये मेरा बड़ी सिस्टर का पति है, ये मेरा छोटी सिस्टर का पति है, और ये बीच में मेरा पति है, और ये देखिए मेरा छोटा सिस्टर का बेटा है। तो उन्होंने क्या है, देखिए इसमें कहीं भी लग रही है कि उन्होंने मेरा फैमिली के ऊपर इतनी बड़ी एक गलतियाँ किया है, जे उनको जबरान किया है, ये सब जबरान है, उन्होंने खुद किया है, उन्होंने बहुत लोगों से मतलब सब लोगों ने उनको प्यार किया, वो भी किया है। देखिए आप फोटो में देखिए ना, जो कहीं भी लग रही है क्या जबरदस्ती हुआ है उनके साथ कोई। सुनिए ये बात करें तो ये तस्वीर कब की ली गई? देखिए ये मेरा शादी का बाद का फोटो है, जब उस मेरा बहन का जो बच्चा है, छोटी बेटी का जन्मदिन था, तो उन्होंने मेरे को लेके गया, तो मेरा बहन के घर का फोटो है देखिए, जिसमें वो खुद या किया है, वो हजारों फोटो है, मैं तो एक ही निकाल लिया, बहुत सारा फोटो है देखिए, कहीं लग रही है तो खुद ग्रुप फोटो में खुद सेल्फी खींचा है, उन्होंने खुद या किया है, और भी फोटो है बहुत सारा। तो तमाम तस्वीरें जो हैं अपने आप में वाकई में गवाही दे रही है, लेकिन बार बार जो है यही कहा जा रहा है कि आपके द्वारा और आपके परिवार के द्वारा जो है उनके ऊपर प्रेशर बना। एमए में जब मैं हनीमून करने गया, उसी टाइम पे उन्होंने नमाज पढ़ने गया। कहाँ पे गई थी आप हनीमून मनाने? बगूरा। अच्छा। मोमोइन 5-स्टार होटल में। तो इसमें महेशानगढ़ का एक मजार का फोटो है, जहाँ पर इन्होंने खुद मेरे को लेके गया उधर घुमाने के लिए, पैसा भी दिया है, कुरान भी दिया है उस मजार पे, वो खुद पैसे से खरीद के दिया है। अरे देखिए आपको कहीं लग रही है, ये फोटो खुद लिया है, सेल्फी लिया, हजारों थी उसके पास, उन्होंने तो बहुत सारा फोटो डिलीट कर दिया, सोचा जो खत्म सब कुछ, अब देखिए ये जो फोटो है खुद लिया है, टोपी पहना। अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने मुस्लिम धर्म का सब कुछ पालन किया, सब कुछ उन्होंने नमाज पढ़ना, कुरान का अर्थ भी वो जानती है, उसका जो मीनिंग होती है ना, आपका जो गीता का मीनिंग होती है वो भी जानती है, कुरान का जो अर्थ है ना, उनको इंग्लिश एक या लेके गया, तो उन्होंने पूरा अर्थ लेके पढ़ा। आप सोचिए, आप बोल रही है मेरे ऊपर जबरदस्ती हुई है। उस टाइम तक जब आप लोग हनीमून पे गए आए, उसके बाद जो है ये कब जब है वो वहाँ से यहाँ आ गया, उसके बाद बातचीत नहीं है? मेरा बच्चा का जब 7 महीने है तब आया है वापस, 24 दिसंबर 2022 में आया है वो।
जब बच्चा को उम्र 7 महीने, और उसके बाद से बातचीत जो है आप लोगों की बंद? नहीं, बंद नहीं, उसके बाद उन्होंने किया है बातचीत, खर्चा पानी कुछ नहीं दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं तो मई में एक बार आ गया इंडिया, जे ऐसा क्यों कर रही हो आप, अच्छा से बात क्यों नहीं करती हो, क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने आने के बाद उन्होंने मेरे को घुमाया, आप देखिए उसका भी फोटो है, वो देखिए ताजमहल का फोटो है। देखिए इससे पहले जब आप भारत आई थी तब, आप लोग तो इंडियन है ना समझती, ये देखिए मेरा फोटो मेरा पति ने ही खिंचा दिया है। पिछली बार जब आए, हाँ पिछली बार जब 7 दिन वो मेरे को बहुत घुमाया। अच्छा। बहुत, मेरा देवर भी साथ में थी राहुल, तो देखिए आगरा भी गया है, आगरा ताजमहल घुमाया हर जगह, मतलब मन अच्छा करने के लिए बच्चों को छोड़ के आया, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा साथ दिया है। उसके बाद भी मेरे को नहीं लगा जब मैं ऐसा होने वाला है, उसके बाद मेरे को समझा के भेज दिया, टिकट खुद करा के भेज दिया। ठीक है, आने के बाद अभी आया हूँ, वो भी उनके कहने पर आया हूँ मैं, जब आजा बच्चों को लेके मैं आया कि उनके कहने पे ही, उन्होंने टाइम मांगा शायद उनके, या रचना करने नहीं दिया, कुछ तो है जिस वजह से उन्होंने मेरे को आने के बाद वो भी मिली है। आने के बाद भी उनके साथ रहा हूँ, आने के बाद भी बच्चा से बहुत प्यार किया है। आप अचानक से एकदम बोलती है ना, पीछे से कोई आके लाठी से बारी मारती है ना, जो सर फोड़ देती है, ऐसा मेरे साथ हो गया। जब अचानक से बम फट, अचानक से मेरा पति मतलब इतना चेंज, अचानक से वो आके मीडिया पे, देखिए आप लोग गौर करिए, मीडिया पे मैं नहीं आया, मैं तो ऑन स्टाफ सेंटर थी, उधर फ़ोन अलाउ नहीं है, उधर तो ना कुछ किसी से मिलना अलाउ है। मेरा पति मेरे से मिलने गया बट मिल नहीं पाया उस टाइम पे जब। अच्छा, मेरे को पिछली बार जब आई थी यहाँ भारत में, उस वक्त जो है आपको तिवारी साहब ने कहाँ रखा था, होटल में रखा था आपने, घर ले? शिवालिका में भी, डायरेक्ट में शिवालिका गया, क्योंकि मेरे पास तो शिवालिका एड्रेस थी पहले, सर पति तो मेरे से बात करती है, तो सीधा शिवालिका में जाके आया हूँ। तो शिवालिका में गया, तो शिवालिका रुकी हूँ, उसके बाद रचना ने दो एक दिन तो अच्छा या है, उसके बाद मेरे को टॉर्चर किया, क्यों पति ने तो यह किया, उसके बाद टॉर्चर करके रात 12 बजे में मेरे को, बहुत रात में मेरे को बाहर कर दिया, धक्का मार के बाहर कर दिया, उल्टा वो टैक्सी वालों को मारने के लिए बोल दिया, सुनसान जगह में छोड़ने के लिए बोला है। उसके बाद मैं क्राउन प्लाजा में होटल में थी, मेरा हस्बैंड में हुआ गई थी, मैं हस्बैंड में थी, उसके बाद तो आगरा, आगरा से दिल्ली बहुत घुमाया पति ने मेरे को, खुद साथ लेके घुमाया हर जगह। इतना घुमाने के बावजूद, और एक और तस्वीर है ये भी मैं आपको दिखा दूं, ये जो है तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है दोनों किस तरह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो है फोटो ली है, लेकिन बार बार जो है सवाल यही, सर एक बात बताइए, पिछली बार भी आए, सोनिया कह रही है कि 7 दिन यहाँ रुकी, लाल किला घूमे, इंडिया गेट घूमे, ताजमहल घूमे, आप दिखाइए, ये देखिए फोटो दिखाइए, जो ताजमहल का फोटो है दिखाए, कुछ लोगों को तो डाउट है जे झूठ बोल रही है, आप देखिए ना हर एक चीज़ का प्रूफ है मेरे पास, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँ, सच है, सारे कुछ सच है। देखिए लाल किला का फोटो है, अब इंडिया गेट का फोटो, हर जगह का फोटो है, हर एक जगह का फोटो देखिए, ये छोटा सा बच्चा और किस तरह से जो है इसे प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर क्या कहेंगे, पिछली बार भी आई घूम के गई, फिर भी जो है अब वही बात है, क्या समझ रखा है औरत को, क्या समझा हुआ है, कभी जी आया दिल आया तो घुमा दिया, दिल आया तो कर दिया, क्या आया, ये ऐसा नहीं चलेगा साहब। पत्नी को भी उसका सम्मान चाहिए, इस देश में कितनी पत्नियां हैं जो पतियों को छोड़ के चली जाती हैं, छुप जाती हैं, जाके अंडरग्राउंड हो जाती हैं जाके, कितने हमारे उस पर कमेंट्स करते हैं पेज डॉक्टर ए पी सिंगलायर पे, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं डॉक्टर ए पी सिंगलायर इंस्टाग्राम पे लिखते हैं कि हमारी पत्नी ऐसे हो गई, हमारी पत्नी छोड़ गई, ये गल, यहाँ पत्नी दौड़ रही है, यहाँ पत्नी आ रही है और आपके पास आ रही है, अब आपके अच्छे दिन के याद भी दिला रही है, हम तो अच्छे दिन की याद भी दिला रहे हैं कि अच्छे दिन थे आपके, हमारे मोदी जी के तो अच्छे दिन आलाते हैं, लेकिन उन्होंने तो अच्छे दिन आए हुए हैं तुम्हारे, उन अच्छे दिनों का याद करके उसको स्वीकार करो, या बताओ आप क्या कारण है, अब इसमें क्या कमी है, क्या गलती है, जब सब कुछ अच्छा अच्छा है तो रखिए उसको, पत्नी को रखिए, पत्नी समझ के रखिए, पत्नी बना के रखिए। अब आपने खुद इस्लाम धर्म ग्रहण किया है, आप नमाज वाली टोपी पहन के आप सेल्फी ले रहे हैं, इसका मतलब कोई और तो नहीं ले रहा है, आप अपने साढ़ू के साथ एक थाली में भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, इसके मायके में जा रहे हैं, ग्रामीण फरीदपुर के आगे वहां जा रहे हैं, तो जब सब जगह जा रहे हैं तो फिर किस बात की कमी रह गई। आप एक सवाल और, सोनिया जो है एक दूसरे देश से जो है भारत पहुंच गई, बच्चे को लेकर पहुंच गई, जिनका ना रहने का ठिकाना था ना खाने का ठिकाना था, फिर भी जो है वो बिना डरे वो यहाँ आ गई, और सौरभ कांत तिवारी को अपने घर से निकलकर इन्हें अपने घर ले जाने में इतना डर लग रहा है। वो डर
उनमें डर नहीं है, उन्हें अपनी पहली पत्नी का डर है। उन्हें अपनी पहली पत्नी को समझाना चाहिए, उन्हें कोऑपरेशन लाना चाहिए, उन्हें अपनी समझा के लाएं, मित्रवत लाएं, प्रेम से लाएं, बात करें, जो भी हो डिसाइड करें इसके साथ बैठ के। अगर नहीं हो रहा तो समस्या का समाधान करें, काउंसलिंग में आएँ, जो भी जिस तरह से है मेडिएशन में आएँ, मध्यस्थता में जिस तरह से भी बात हो, आपसी निपटारा होना चाहिए, इस समस्या का अंत हो। देखिए इसका यह मायका नहीं है। हाँ, अगर इसका मायका होता, अगर इसके माता पिता होते, अगर इसके भाई बहन होते तो स्थिति अलग होती। तो इस बच्चे का तो यही है, माँ बेटी दोनों, माँ और बेटा दोनों यही है, यही बस, इसके अलावा तो नहीं है कोई। तो इस तरह से ऐसा जो हो रहा है वो गलत है, असंवैधानिक भी है, गैर कानूनी भी है, अपमानजनक भी है, इस्लाम धर्म के अनुसार से भी गलत है, हिंदू धर्म के अनुसार से भी गलत है। किसी धर्म को तो मानिए, आप हिंदू धर्म को मानिए, तब आप पहली पत्नी के साथ अब कैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते, क्योंकि आप तो धर्म बदल चुके हैं, आप निकाह कर चुके हैं, आप तो चीज़ें कर चुके हैं, उसमें तो हिंदू धर्म होता है। अब आप इस्लाम धर्म को मान ले, मान रहे हैं इस्लाम धर्म, तो उसके अनुसार करें, तो भी आप पति पत्नी के साथ रहें तो दो उनको भी रख सकते हैं, उनके बच्चों को रख सकते हैं। आप इसमें देखा आपने कि बच्चों के साथ के भी फ़ोटो हैं, घुमा रही है, ढाका में है, ये सब प्रूफ हैं, और ये सब प्रूफ के आधार पर ही आगे प्रोसीडिंग होगी और जो भी आगे कार्रवाई होगी, हमें आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है। सोनिया अख्तर को उनके पति सौरभ हैं, उनको न्याय दें और उनको न्याय मिले, जिससे कि हमारे देश की एक व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था इस तरह की है कि पत्नी कहाँ दर दर भटकेगी, व्यवस्था है उसके अनुसार उसे न्याय मिल सके और उसके साथ अन्याय ना हो। देखिए साफ तौर पे जो है, आपने सौरभ कांत तिवारी की पत्नी सोनिया अख्तर और उसके साथ में सोनिया अख्तर के वकील डॉक्टर एपी सिंह जी को सुना, और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि दोनों के बीच जो है मध्यस्थता हो, दोनों के बीच बातचीत हो। अगर सौरभ कांत तिवारी दिल्ली बुलाकर ताजमहल से लाल किला तक घुमा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी पहली पत्नी को मना कर और दूसरी पत्नी को भी घर में साथ रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।